अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, दो नारियल की मैंने चूर लिए, गिल्ला नारियल आता है उसको क्रच कर लेंगे। और ये 50 ग्राम पिस्ता लिया है और इसको इस तरह से मोटा मोटा कट करना है। 100 ग्राम काजू लेंगे, ये ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और इसको भी इस तरह से मैंने मोटा मोटा ही रखा है। 50 ग्राम ये पम्पकिन सीड है और 1/4 किलो गुड़ जाएगा इसमें, एकदम हेल्दी लड्डू है ये। और 100 ग्राम बादाम है, इसको भी मोटा मोटा इस तरह से रफली चॉप करके लेंगे। 100 ग्राम किशमिश लिया है मैंने, ब्लैक वाले किशमिश लिया है, आप दूसरे वाले भी ले सकते हैं। ये सारे चीज़ें हैं इस लड्डू में जाएगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक बर्तन में मैंने 2 टेबलस्पून भर के घी डाला है, तो मैंने देसी घी लिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, बादाम डालेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और काजू डालेंगे। इसको थोड़ा सा भून कर लेंगे, उसके बाद पिस्ता वगैरह डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा मोटा रहता है। अच्छी खुशबू आने तक, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनना है। ये देखिए, इसमें से खुशबू आने शुरू हो गई और कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब इसमें पिस्ता और पम्पकिन सीड भी डाल देंगे। और इसको भी 2 मिनट अभी और भून कर लेंगे। इस तरह से एकदम ड्राई फ्रूट टेस्टी लगते हैं भून कर डालेंगे तो, और क्रिस्पी भी लगते हैं, बहुत ही हेल्दी। अब ये सर्दियाँ शुरू हो गई है तो आप ये लड्डू बनाकर खा सकते हो, सर्दियों में बहुत अच्छी हेल्दी ताकत के लिए। ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं, तो इसको निकालेंगे और फिर हम लोग किशमिश को थोड़ा सा भून कर लेंगे। देखिए, उसमें से मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है 1 चम्मच। अब इसमें किशमिश डालेंगे और इसको भी अच्छे से भून कर लेंगे, चाहे चलाते हुए। ये थोड़े फूलने लगेंगे तब इसको निकालेंगे। ये किशमिश भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको निकालेंगे और फिर आगे की तैयारी करेंगे। देखिए, किशमिश निकाल लिया मैंने और उसी बर्तन में मैंने 3 टेबलस्पून भर के मैंने फिर से घी ऐड किया है। अब इसी में हम लोग नारियल की चून डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून कर लेना है। तुम कब आए? ये देखिए, इसको गैस के फ्लेम को लो या मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं इसको भूनेंगे। इसको 5-7 मिनट तक अच्छे से भून कर देंगे, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे, जितना अच्छा भुनेगा लड्डू ज़्यादा टाइम तक आपके रहेंगे। इसके लिए इसको भून के लेना, इसमें पानी रहता है नारियल में। ये देखिए, नारियल की चून हमारी भून चुकी है, मैंने 6-7 मिनट तक अच्छे से भून कर लिया, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब ये गुड़ के साथ पकेगी तो और भून जाएगी। अब इसके अंदर हम लोग गुड़ ऐड करेंगे। बारीक मैंने काट कर लिया है गुड़ को, इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन डालकर रखेंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। और गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। अच्छे से मिक्स करके फिर ढक्कन डालकर 2-3 मिनट रखेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ढककर रखा था इसको और बीच में चेक कर रही थी मैं इसको। अभी निकालेंगे ढक्कन को। ये देखिए, एकदम पानी छूट जाता है और एक गुड़ पूरा अच्छे से पिघल गया है।
आप देख सकते हैं इसमें गुड़ नहीं है बिल्कुल भी। अब इसको थोड़ा और भुनेंगे, गुड़ का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। देखिए अच्छे से पूरा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब एक दो मिनट इसको इस तरह चलाते हुए भुनेंगे, फिर इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये देखिए चूना वाली अच्छे से भून चुकी है, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं। सारे अच्छे से डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये, और खाने में भी उतने टेस्टी रहते हैं ये, और हेल्दी भी है। मैंने घी भी कम ही यूज किया है इसमें, 5 या 6 टेबल स्पून ही मैंने इतने सारे इसमें घी यूज किया है, और वो भी मैंने देसी घी घर का बना हुआ यूज किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है इस वक्त। ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो अभी 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से कवर करके फिर से एक बार रख देंगे। ये देखिए अच्छे से तैयार हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। मैंने 2-3 मिनट ढककर रख दिया था इसको, इसमें से भाप निकल रही है अब देख सकते हैं। अब इसको गैस बंद करेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत गर्म है, हल्का ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। इसको इस तरह से गैस बंद कर देंगे और कवर करके 2-3 मिनट रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। एकदम ही ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे तो लड्डू बनेंगे नहीं, हल्का गर्म रहता है जब भी हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से निकाल कर लिया है, एक लड्डू मैंने बना के रख दिया है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोषण लेंगे। आप अपने हिसाब से लो, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो। इसको इस तरह से प्रेस करते हुए, अभी गर्म है यहाँ अभी भी थोड़ा, ये देखिए इस तरह से ये लड्डू बनके तैयार है। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा छोटे बड़े बना सकते हो, इसी तरीके से हम सारे बना कर लेंगे। देखिए हमारे मजेदार और टेस्टी हेल्दी लड्डू बनके तैयार है, कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू। ये हेल्दी भी है, आप लोग खा सकते हो, और अभी सर्दियां शुरू हो रही है तो ये लड्डू बनाकर आप खा सकते हो, जब जॉइंट दर्द के लिए भी अच्छे हैं। तो चलिए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।